gentlemen, the Prime Minister of India, Honorable Narendra Modi ji. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to address the gathering. Ladies and gentlemen, a big round of applause. सेशल्स के फाउंडर राष्ट्रपति श्रीमान जेम्स मानखम जी, सेशल्स के मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ महानुभाव, आदरणीय चीफ जस्टिस श्रीमान करुणाकरण जी, सभी विशिष्ट महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, सेशल्स की मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन लग रहा है आप लोगों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। कल मैं रात देर से आया, उसके बावजूद भी पूरे रास्ते भर मैं सेशल्स के लोगों के प्यार को अनुभव कर रहा था। जिस प्रकार का स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं यहाँ की सरकार का, यहाँ के नागरिकों का और आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेशल्स और भारत, विज्ञान ये कहता है कि हजारों साल पहले हम एक ही धरती थे, लेकिन जब प्रलय होता है तो सब बिखर जाता है। ये धरती और भारत की धरती, इसके बीच हजारों साल पहले हजारों मील का फासला हो गया। प्रकृति ने धरती को अलग किया, लेकिन हमारे दिलों को जुदा नहीं किया।
और कभी कभी लगता है कि भारत और हमारे सेशल्स के बीच में एक बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन ये समंदर हमें बिछड़ने के लिए नहीं है, ये समंदर है जो हमें जोड़ता है। समंदर के तट पर खड़े होकर के हम उंगली करके के कह सकते हैं, उधर मेरा भूज है, उधर मेरा छत, उधर मेरा मुंबई है, उधर मेरा चेन्नई है, उधर मेरा कोची है। ये नजदीकी, अपनापन और इस अर्थ में मैं समझता हूं कि हम लोगों का एक विशेष नाता है। आज भारत इस बात का गर्व करता है कि आप भारतवासी जहां भी गए, जिस अवस्था में गए, जिस कठिनाइयों के बीच जिंदगी को जिए, शताब्दी भर कम समय नहीं होता है। कहते हैं शुरू में 1717 में कुछ लोग यहां आए थे और तब से सिलसिला चला, सौ सवा सौ वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में आना जाना हुआ, लेकिन इन पूरे कालखंड में आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से यहां के लोगों ने आपको अपना बना लिया और आपने इस देश को अपना बना लिया। यही तो हमारी वो जो मूल सांस्कृतिक धरोहर है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। और जो इन संस्कारों से पले बड़े हैं, जिनके लिए पृथ्वी ये माता है, उनके लिए अपनेपन के लिए भौगोलिक सीमाएं नहीं होती, देश की सीमाएं उनकी भावनाओं को बांध करके नहीं रखती हैं। भावनाएं अफाट सागर की तरह फैली हुई होती हैं और आपके व्यवहार से वो देश गर्व अनुभव करता है कि आपने सारी दुनिया में आज भी कहीं पर भी जाओ दुनिया में, कांतिलाल जीवन शाह का नाम दोगे। अब तो हमारे बीच रहे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने काम के द्वारा दुनिया में सेशल्स का भी नाम रोशन किया, एक मूल भारतीय के नाते भी नाम रोशन किया। विश्व ने उनको सम्मानित किया, अनेक अवार्ड मिले उनको, और वो सिर्फ आर्थिक कारोबार के कारण नहीं, उन्होंने ज्यादातर चिंता की थी प्रकृति की रक्षा की। आज जिस क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया चिंतित है, कांतिलाल शाह अपने जवानी के समय से उन मुद्दों को लेकर के सेशल के अंदर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे, सामुद्रिक संपदा के लिए जगा रहे थे, संवेदनाएं पैदा कर रहे थे। एक भारतीय के नाते इस प्रकार का उनका जीवन, उस प्रकार का उनका काम हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है, अभिमान देता है। और ऐसे तो यहां अनगिनत लोग हैं
जिन्होंने अपनी बुद्धि, शक्ति, क्षमता, कल्पना शक्ति, सामर्थ्य, धन, इन सब के द्वारा सेशल्स के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय यहां रहता है और हम गुजरात के लोग तो एक पुरानी घटना से बड़े परिचित हैं कि जब ईरान से पारसी आए और राजा ने भरा हुआ दूध का कटोरा भेजा और पारसी समुदाय ने उसमें चीनी मिलाई और वापस भेजा। कटोरा भरा हुआ था लेकिन जब चीनी मिला करके भेजा तो दूध बाहर नहीं गया, अंदर ही रहा, पूरा भरा रहा लेकिन दूध मीठा हो गया। और तब ये सिंबॉलिक संदेश था कि पारसी ने संदेश दिया कि भले हम ईरान से आए हैं लेकिन हम हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे गुण मिल जाएंगे जिसके कारण आपकी स्वीटनेस में बढ़ोतरी होगी। मैं समझता हूं उसी परंपरा भारतीय समुदाय के लोग यहां आके सेशल्स में उसी तरह घुल मिल गए हैं कि जिसने सेशल्स की स्वीटनेस को बढ़ाया है, उसकी रोशनी को उजागर किया है, उसको सामर्थ्य दिया है। और इस प्रकार से अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, जब कोई मेरा भारतीय भाई दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के उस समाज की भलाई के लिए जीता है, उस समाज की भलाई के लिए काम करता है, उस धरती के लिए अपना जीवन लगा देता है, तब भारत के नाते हम लोगों को बड़ा गर्व होता है। मैं और आज आपके बीच वो मेरे गर्व की अभिव्यक्ति आपके सामने कर रहा हूं, आनंद की अभिव्यक्ति कर रहा हूं, आपको अभिनंदन कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां भी इस संस्कारों को, इस परंपराओं को बनाए रखेंगे और विश्व में भारत का गौरव, भारत की पहचान बनाने में हमारी अहम भूमिका रखेंगी। भाइयों बहनों, कुछ महीने पहले भारत में चुनाव हुआ और बहुत वर्षों के बाद, करीब करीब 30 वर्ष के बाद भारत में पूर्ण बहुमत से चुन करके लोगों ने एक सरकार बनाई। और मुझे बताया गया कि भारत में जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे, तब आप भी यहां उत्सव मना रहे थे। ये उत्सव इस बात से भी जुड़ा हुआ था कि आप भी सेशल्स की प्रगति तो चाहते ही चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन आपके दिल में यह भी है कि भारत भी प्रगति करे, भारत भी नई ऊंचाइयां पाए। और हम तो वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो हमारी तो कल्पना है पूरा विश्व आगे बढ़े, पूरा विश्व शांति से जिए, पूरा विश्व प्रगति करे। यही तो हमारे सपने हैं, यही तो हमारे संस्कार है, यही हमारा संकल्प है कि हम जय जगत वाले लोग हैं, विश्व कल्याण वाले लोग हैं। और उस काम को करने के लिए भारत को भी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए सज्ज होना पड़ेगा। अगर भारत गरीब रहा, भारत पिछड़ा रहा, भारत दुर्बल रहा,
तो दुनिया की आशा आकांक्षाओं पूरी करने में भारत कोई भूमिका नहीं निभा सकता। तो विश्व कल्याण की भी अगर भूमिका निभानी है तो भारत का मजबूत होना जरूरी है, भारत का सामर्थ्यवान होना जरूरी है, भारत का सुख शांति से हरा भरा देश बनना जरूरी है। और इसलिए पिछले 9-10 महीने में कोशिश की गई है कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। भारत का सर्वांगीण विकास हो और भारत विश्व से ज्यादा जुड़े। आज दुनिया के छोटे छोटे देश जो टापुओं पर बसे हैं, आइलैंड पर बसे हैं, उन सबकी एक सबसे बड़ी चिंता है दुनिया में कौन न्यूक्लियर बम बनाता है कौन नहीं बनाता है। ये आइलैंड में रहने वाले लोगों की चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उनकी चिंता का विषय यह है कि ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं हमारा टापू पानी के अंदर चला तो नहीं जाएगा। सदियों से जिसको संजोया है, दो दो तीन तीन पीढ़ी जिसमें खप गई है, कहीं ये तो डूब नहीं जाएगा। और दुनिया को बचाने का काम सिर्फ आइलैंड पर बैठे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए कुछ करें और इसलिए सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व ने मिलजुल करके क्लाइमेट चेंज से उतनी ही चिंता करनी पड़ेगी जितनी आज विश्व टेररिज्म की चर्चा करता है, जितना संकट आतंकवाद से नजर आता है, गहरा लगता है, उतना ही इन छोटे छोटे आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज के कारण संकट महसूस होता है। भारत ने सदियों से, हमारे तो संस्कार रहे हैं, हमें तो वो संस्कार मिले हैं कि बालक सुबह बिस्तर से उठ करके पैर जमीन पर रखता है तो उसे सिखाया जाता है कि तुम ये पैर पृथ्वी माता के ऊपर रख रहे हो, पहले पृथ्वी माता की माफी मांगो। यानी हमें इस मां को पीड़ा देने का कोई हक नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार में है। प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति से संवाद करो, प्रकृति से सीखो, यही तो हमें सिखाया गया है। पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में जी हमें माना गया है और इसलिए विश्व को इस संकट से बचाने का काम भी हम जिस परंपरा से बने पले हैं, जिस संस्कारों से हम आगे बढ़े हैं, जिस संस्कृति को हमें विरासत में पाया है, अगर हम उसे जीना सीख ले, लोगों को जीने का रास्ता दिखा दे और जगत उसे जीने की आदत बना ले, तो हो सकता है इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए पूरी मानव जात सरलता से एक रास्ते पर चल सकती है और आगे बढ़ सकती है। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं, यही तो बातें हैं जो क्लाइमेट की रक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन परंपराओं के साथ साथ आधुनिक चीजों पर भी बल देना पड़ता है। हमें विकास की उस राह को अपनाना होगा जो सदियों के बाद भी मानव जात के कल्याण में रुकावट पैदा न करे। हम सबको परमात्मा ने हमारे लिए जो दिया है उसका तो उपभोग करने का अधिकार है, लेकिन हम लोगों को
हमारे संतानों के लिए जो दिया गया है उसका उपभोग करने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई माँ बाप होते हैं क्या दुनिया में? ऐसे कोई माँ बाप होते हैं क्या जो अपने बच्चों का भी खा जाए? कोई माँ बाप नहीं होते हैं। और इसलिए आज से 100 साल बाद आपके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको शुद्ध हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको रहने के लिए अच्छी पृथ्वी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें उनको वो विरासत में देकर के जाना है तो हमें आज अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। और इसलिए उस दिशा में हम काम करें। भारत ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और वो बीड़ा है सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी का। हम चाहते हैं कि दुनिया को इस संकट से बचाने के लिए भारत को अपनी जो भूमिका है उस भूमिका को अदा करना चाहिए। और उस भूमिका को अदा करने के लिए 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का संकल्प हमने लिया है। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, हम दुनिया को एक सौगात देना चाहते हैं ताकि विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में भारत भी अपनी अहम भूमिका निभाए। हम 60 गीगावाट विंड एनर्जी की ओर जा रहे हैं। ये टारगेट बहुत बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, लेकिन इन संकल्पों को हम इसलिए लेकर के चले हैं क्योंकि हमारी प्रेरणा सिर्फ हिंदुस्तान में किसी के घर में दिया जले वो नहीं है। हमारी प्रेरणा इन छोटे छोटे टापुओं पर जो लोग जीते हैं, रह रहे हैं, छोटे छोटे देशों के रूप में उनके जीवन की रक्षा करना, ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारा संकल्प है। अब इसलिए सोलार पावर होगा तो हिंदुस्तान में, लेकिन सीधा सीधा फायदा मिलेगा सेशल्स की भावी पीढ़ी को, ये सपने लेकर के हम आए। भारत ने आज भारत के बाद दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 एज ग्रुप से नीचे है। जिस देश में करोड़ों लोग नौजवान हो, दुनिया का भी भाग्य बदल सकते हैं अगर उन्हें अवसर मिल जाए। इस नई सरकार की कोशिश यह है कि हम नौजवानों को अधिकतम अवसर कैसे दें, ज्यादा से ज्यादा अवसर उनको विकास के लिए कैसे मिले, उस दिशा में हमारा प्रयास है। और इसलिए मेक इन इंडिया ये हमने अभियान चलाया है। मैं दुनिया को निमंत्रण देकर दे रहा हूं, आइए आप जो कुछ भी बना रहे हैं मेरे देश में आकर के बनाइए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप जो बनाते हैं उससे कम खर्चे में बनेगा, जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा। आज आपकी प्रोडक्ट 5 देशों में जाती है, हिंदुस्तान में बनाइए 50 देशों में पहुंचना शुरू होगा। आज आपकी बैलेंस शीट में 5-10 जीरो होंगे, देखते ही देखते आपकी बैलेंस शीट में और 5-10 जीरो जुड़ जाएंगे, ये ताकत है। और इसलिए और मैं देख रहा हूं कि दुनिया ने आकर्षण पैदा हुआ है। भारत की रेलवे
बड़ी चर्चा है, इतनी बड़ी विशाल रेल, यानी हिंदुस्तान में अगर 24 घंटे में रेलवे में कितने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं इसका अगर मैं हिसाब लगाऊं तो शायद 100 सेसल्स एट अ टाइम हिंदुस्तान में रेलवे के डिब्बे में होते। आप कल्पना कर सकते हैं कि रेलवे को कितने विकास की संभावना है। रेलवे को हम आधुनिक बनाना चाहते हैं, रेलवे को हम दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये रेलवे को हम पीछे क्यों लगे हैं? सिर्फ भारत के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले इतना मकसद नहीं है। रेलवे वो व्यवस्था है जो ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाने के जो अनेक साधन है उसमें वो भी एक साधन है। मास ट्रांसपोर्टेशन से एमिशन कम होता है, और जब एमिशन कम होता है तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है, और ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है तो क्लाइमेट चेंज की चिंता टलती है, और क्लाइमेट चेंज की चिंता टलती है मतलब सेसल्स को जीने की गारंटी पैदा होती है। रेलवे वहां बनेगी, रेलवे वहां बढ़ेगी, लेकिन लाभ इन छोटे छोटे टापुओं पर बसने वाले दुनिया के छोटे छोटे देश के नागरिकों को होने वाला है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश, हम चाहते हैं भारत की रेल तेज गति से चले, हम चाहते हैं भारत की रेल आगे विस्तृत हो, हम चाहते हैं भारत की रेल आधुनिक बने, और इसलिए हमने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोल दिए। मैंने दुनिया को कहा कि आपके पास टेक्नोलॉजी है आइए, आपके पास धन है आइए, आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं आइए। भारत की रेल भी दुनिया के अनेक देशों से इकोनॉमी को बढ़ा सके इतनी ताकतवर है, और इसलिए मैं मेक इंडिया के इस काम को लगा। सेशल्स जैसे छोटे छोटे देश, क्या उनकी रक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? छोटे छोटे देशों से पायरेसी के कारण जो समस्याएं होती हैं, उनके सारे सामुद्रिक व्यापार संकट में पड़ जाते हैं, क्या इस सामुद्रिक सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या भारत का दायित्व नहीं है कि इंडियन ओशन में सुरक्षा की गारंटी में भारत भी अपना हाथ बटाए, पूरी ताकत से बटाए, ताकि सेशल्स जैसे नागरिकों को विश्व व्यापार में आगे बढ़ना है तो पायरेसी जैसे संकटों से इस समुद्री तट को बचाया जा सके? अगर वो बचाना है तो भारत में डिफेंस के सेक्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए हमने भारत में मेक इन इंडिया में डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया है, इंडिजीनियस व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं। अब यहां एक आज रडार का मैंने लोकार्पण किया, इस रडार के लोकार्पण के कारण सेशल्स के सामुद्रिक सुरक्षा के एक नई ताकत मिलती है, एक नई नई दृष्टि मिलती है, नई आंख मिलती है, वो देख सकते हैं 150 किलोमीटर के रेंज में कहीं कुछ हलचल गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये काम भारत कैसे कर पाया? क्योंकि भारत में इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग की संभावना पैदा हुई। हम आगे चलकर डिफेंस के सेक्टर में और चीजों को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसका लाभ मिले। लाभ किसको मिलेगा? आप जैसे हमारे मित्र देशों को मिलेगा, पड़ोसी देशों को मिलेगा, इस इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को मिलेगा, और इसलिए हमारे हर कदम, भारत की धरती पर होने वाले हर कदम वैश्विक कल्याण की हमारी जो संकल्पना है उसके अनुरूप और अनुकूल बनाने की हमारी कोशिश है, और उसका लाभ आपको मिलने वाला है। हम स्किल डेवलपमेंट में बल दे रहे हैं। आज पूरे विश्व को, विश्व के बहुत बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी इकोनॉमी, वो एक संकट से जूझ रही है, और जिसका उपाय उनके पैसों में संभव नहीं है, जिसका उपाय उनकी टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है, और वो है
मैन पावर, हर किसी को वर्कफोर्स चाहिए। दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी को भी टैलेंटेड वर्कफोर्स की जरूरत है। आने वाले 20 साल में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स देने की किसी की ताकत है तो हिंदुस्तान की है, क्योंकि युवा देश है, उसके हाथ में हुनर हो, स्किल हो। दुनिया को जिस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता है उस प्रकार का मानव बल तैयार हो, उस दिशा में हमारा प्रयत्न है। स्किल डेवलपमेंट को हमने एक मिशन रूप में लिया है और हम स्किल डेवलपमेंट के द्वारा ऐसे नौजवान तैयार करना चाहते हैं जो स्वयं अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके। जो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं वो स्वयं स्किल मैन पावर के रूप में जॉब प्राप्त कर सके। कुछ जॉब सीकर हैं उनको अच्छी जॉब मिल सके, कुछ जॉब क्रिएटर बन सके। एक प्रकार से विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति में जो चीजें काम आ सकती है उन चीजों को बल देकर के और भारत के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। राष्ट्रपति जी मिशेल के साथ आज मेरी विस्तार से बातें हुई और भारत और सेशेल्स मिलकर के हम कितनी ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है, आप सबको बहुत खुशी होगी सुनकर के। सुनाओ। भारत सरकार ने निर्णय किया है इस सेल से जो नागरिक हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको 3 महीने का वीजा मुफ्त में दिया जाए। उतना ही नहीं, अब आपको यहां जाकर के दफ्तर में कतार लगा करके खड़े नहीं रहना पड़ेगा, एम्बेसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। अब वीजा ऑन अराइवल होगा, आप एयरपोर्ट में आए छप्पा लग गए आ जाओ। हम चाहते हैं भारत और सेशेल्स के बीच में टूरिज्म बढ़ना चाहिए और यहां जो गुजराती लोग हैं उनको तो मालूम है गुजराती लोग तो ढूंढते रहते हैं कि संडे को कहां जाओ इस वीकेंड पे कहां जाओ। हम चाहते हैं कि एयर फ्रीक्वेंसी बढ़े, डायरेक्ट फ्लाइट बढ़े, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में सेशल से सीधी हवाई जहाज जाए, वहां से यहां आए, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो उसके कारण सेशल से लोग जो हिंदुस्तान जाएंगे वो भारत को अच्छी तरह जानेंगे और भारत से जो लोग यहां आएंगे वो सेशल्स की इकोनॉमी को ताकतवर बनाएंगे। और मैं मानता हूं टूरिज्म दुनिया में तेज गति से बढ़ रहा व्यवसाय है, तेज गति से, लेकिन टूरिज्म मानव जात को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, विश्व को जानना समझना अपना बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर है और उस अवसर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई बहनों, आज समय की सीमा है, कुछ ही घंटों के लिए मैं आया हूं, पहली बार आया हूं, लेकिन लगता ऐसा है कि अच्छा होता मैं ज्यादा समय के लिए आया होता। अब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो फिर तो आना ही पड़ेगा। ज्यादा समय लेकर के आना पड़ेगा, आप सबके बीच रहना होगा, इस सुंदर देश को देखना होगा।
तो मैं फिर एक बार आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मेरी तरफ से समग्र देशवासियों की तरफ से आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और स्वागत सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आओ नमस्ते। थैंक यू योर एक्सीलेंसी।